Hello everyone, welcome to Raj Malhotra's IAS. My name is Shivani and I welcome you all to our new series India 360 Degree. So in a previous session we were doing Himachal Pradesh. Aaj usi session ko continue karte hue, aaj hum baat karenge art and culture of Himachal Pradesh, right? So Himachal is one of those few states that has largely remained untouched by external customs, reason being its difficult terrain. हिमाचल प्रदेश उन कुछ स्टेट्स में से है जिनका कोई भी अगर एक्सटर्नल कस्टम्स की बात की जाए तो उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस हिमाचल में देखने को नहीं मिला है. रीज़न बीइंग के डिफ़िकल्ट टेरेन है हिमाचल प्रदेश का, एंड हिमाचल प्रदेश इज़ अ मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल एंड मल्टी लिंगुअल सोसाइटी, राइट? मल्टी रिलीजियस हिमाचल में जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, 96% ऑफ हिमाचल पॉपुलेशन आर हिंदूज, बट there are various other religious communities as well, जैसे कि हिमाचल में बुद्धिस्ट भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, इस्लाम रिलीजन भी वहाँ पे फॉलो किया जाता है, और सिख भी हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं. एंड ऑल्सो हिमाचल का जो एक मेजर फीचर है वो ये है कि जो सभी ये रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं ये बहुत हैप्पीली को एग्जिस्ट करती हैं. यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन या कम्युनिटी के बेसिस पे कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, राइट? एंड हिमाचल प्रदेश इज़ अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी. हिंदू कम्युनिटीज़ भी हैं, ट्राइबल्स भी हैं, और मुस्लिम, बुद्धिस्ट ये सब कम्युनिटीज़ भी वहाँ पे हिमाचल में देखने को मिलती हैं. हिंदू कम्युनिटीज़ की बात की जाए तो बेसिकली ये दिस कंप्राइज ऑफ ब्राह्मिन्स, राजपूत्स एंड कोलीज. ट्राइबल पॉपुलेशन मेनली कंप्राइज ऑफ गड्डीज, किन्नर्स, गुज्जर्स, पंगावल्स एंड लाहौलीज, राइट? एंड हिमाचल इज़ अ मल्टी लिंगुअल सोसाइटी, राइट? हिमाचल में जो मेजर जो स्टेट लैंग्वेज है हिमाचल प्रदेश की, दैट इज हिंदी, बट वहाँ पे और भी पहाड़ी लैंग्वेजेस वहाँ पे देखने को मिलती हैं, राइट? हिमाचल प्रदेश के फूड की बात की जाए तो दिस इज़ वेरी सिमिलर टू रेस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. लेंटिल, राइस, वेजिटेबल्स एंड ब्रेड, ये यहाँ का स्टेपल फूड है. बट हिमाचल के जो पॉपुलेशन है दे ये वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं नॉन वेज क्यूजींस. रीज़न बीइंग के हिमाचल एक कोल्ड स्टेट है, एंड दीज नॉन वेज क्यूजींस वो वहाँ पे इसलिए ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं. स्पेशलिटीज़ की बात की जाए तो मनी मदीरा, पार्डन मी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग समथिंग रॉन्ग, राइट? पतीर, छोंक, भगजरी एंड चटनी ऑफ तिल, ये मेजर स्पेशलिटीज़ हैं हिमाचल प्रदेश की. एंड सिड्डूज, ये भी हिमाचल का एक मेजर स्नैक है हिमाचल प्रदेश के अगर क्यूजींस की बात की जाए. उसके बाद हिमाचल प्रदेश के हैंडीक्राफ्ट्स की बात करेंगे. हिमाचल प्रदेश के हैंडीक्राफ्ट्स में कारपेट्स, लेदर वर्क्स, यहाँ पे आप इस विजुअल में राइट साइड में ये लेदर बैग्स देख सकते हैं जो हिमाचल के हैंडीक्राफ्ट में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है. शॉल्स, हिमाचल में जो शॉल्स बनाए जाते हैं स्पेशली कुल्लू के शॉल्स, वो बहुत ज़्यादा फेमस है. उसके बाद मेटलवेयर, यहाँ पे आप इस विजुअल में देख सकते हैं. वुड वर्क एंड पेंटिंग्स, पेंटिंग्स के बारे में हम अपनी आने वाली स्लाइड्स में स्पेसिफिकली बात करेंगे, बिकॉज पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स की जब बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश एक मेजर स्टेट है व्हेन वी टॉक अबाउट पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स. वुड वर्क की बात की जाए तो वुड इज़ यूज्ड इन हिमाचल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, राइट? एंड देयर इज़ अ ट्राइब नेम्ड डोम जो कि एक्सपर्ट है बैम्बू आइटम्स मैन्युफैक्चर करने में, जैसे कि बॉक्सेस, सोफास, चेयर्स एंड बास्केट. मेटलवेयर के बारे में हमने अभी बात की थी कि मेटलवेयर ऑफ द स्टेट इंक्लूड्स यूटेंसिल्स, रिचुअलिस्टिक वेसल्स, आइडल्स, ज्वेलरी, राइट? ये हिमाचल प्रदेश के मेजर हैंडीक्राफ्ट्स हैं. इनमें से कुछ को तो GI टैग्स भी मिले हुए हैं, राइट? और उसके बाद बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के मेजर फेयर्स की. सबसे पहले कुल्लू दशहरा. दशहरा इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया, राइट? एंड दशहरा मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, राइट? बट कुल्लू दशहरा इज वर्ल्ड रिनाउंड. दशहरा बाकी स्टेट्स में तो सिर्फ एक दिन पे मनाया जाता है, एक दिन ही मनाया जाता है, लेकिन कुल्लू दशहरा की बात की जाए तो दिस लास्ट फॉर 7 days. पीपल अक्रॉस द ग्लोब दे कम टू विजिट दिस कुल्लू रीजन, स्पेशली ड्यूरिंग दिस डेज ऑफ दशहरा. इतना ज़्यादा फेमस है, एंड पीपल बेसिकली दे कम टू कुल्लू ड्यूरिंग दिस डेज बिकॉज दे वॉन्ट टू लाइक वो देखना चाहते हैं कि कुल्लू दशहरा लोग किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, राइट? उसके बाद शिवरात्रि फेयर ऑफ मंडी, शूलिनी मेला ऑफ सोलन. सोलन में शूलिनी देवी का एक टेम्पल है,
तो वहीं पे उनको ट्रिब्यूट देने के लिए दिस फेयर इज ऑर्गेनाइज. शूलिनी मेला, मिंजर फेयर चंबा रीजन में. मिंजर जो मेज फ्लावर्स हैं, जब वो ब्लॉसम होते हैं, उन्हीं को जो वहाँ के जो लोकल डाइटीज हैं, जो लोकल डाइटीज इंक्लूडिंग लॉर्ड इंदिरा, उनको ऑफर किया जाता है जो मेज फ्लावर्स होते हैं, राइट. तो मिंजर फेयर उसी से रिलेटेड है. नेक्स्ट इज मनी महेश छरी यात्रा इन भरमौर रीजन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट, राइट. मनी महेश वहाँ पे एक टेम्पल है लॉर्ड शिवा का, उन्हीं से रिलेटेड ये मनी महेश यात्रा जो यहाँ पे एक फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है चंबा रीजन में, राइट. उसके बाद रेणुका फेयर इन सिरमौर. सिरमौर हिमाचल प्रदेश का सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे रेणुका लेक भी है, तो वहीं पे रेणुका फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है. रेणुका वॉज द मदर ऑफ परशुराम. परशुराम, दिस इज बिलीव्ड के परशुराम वॉज एन इंकरनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, तो रेणुका वॉज द मदर ऑफ परशुराम, तो उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए ये फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है रेणुका फेयर, राइट. और उसके बाद कुछ और फेयर्स हैं. लावी ट्रेड फेयर इन रामपुर शिमला. ट्रेड फेयर है लावी ट्रेड फेयर, ये एक ट्रेड फेयर है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बी इट एनिमल्स आर्टिफैक्ट्स हर एक चीज़ की बाइंग एंड सेलिंग ट्रेड यहाँ पे इस फेयर में ऑर्गेनाइज किया जाता है इन रामपुर शिमला. नेक्स्ट इज व्रजेश्वरी फेयर कांगड़ा. व्रजेश्वरी जो कांगड़ा देवी का टेम्पल है कांगड़ा रीजन में, तो ये उसी से रिलेटेड है, राइट. एंड कांगड़ा देवी, इसके साथ एक माइथोलॉजिकल स्टोरी भी जुड़ी हुई है ऑफ गॉडेस सती हु वाज द वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा, राइट. तो उसके बाद है ज्वालामुखी फेयर इन ज्वाला जी. ये भी हिमाचल प्रदेश में ही ये ऑर्गेनाइज किया जाता है ज्वालामुखी फेयर ज्वाला जी. दिस अगेन इज रिलेटेड टू द माइथोलॉजिकल स्टोरी ऑफ देवी सती हु वाज द वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा. उसके बाद होली फेयर सूजनपुर तीरा हमीरपुर. नेक्स्ट इज नैना देवी फेयर, अगेन रिलेटेड टू देवी सती इन बिलासपुर रीजन एंड फुलेज इन किन्नौर वैली. किन्नौर के रीजन में दिस फुलेर फेयर इज ऑर्गेनाइज एंड दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स. यहाँ पे फ्लावर्स के गार्लैंड बना के जो वहाँ की लोकल डाइटीज हैं उनको ऑफर किए जाते हैं. सो हिमाचल प्रदेश के कुछ मेजर फेयर्स हमने कवर किए हैं. सबसे पहले कुल्लू दशहरा, शिवरात्रि फेयर इन मंडी, शूलिनी मेला, सोलन, मिंजर, मनी महेश, रेणुका फेयर, उसके बाद लावी ट्रेड फेयर, व्रजेश्वरी फेयर, ज्वालामुखी फेयर, होली फेयर, नैना देवी फेयर एंड फुलेज. फुलेज जो कांगड़ा वैली में ऑर्गेनाइज किया जाता है. उसके बाद हम कुछ GI टैग्स की बात करेंगे. GI हमने प्रीवियस सेशन में भी बात की थी. GI इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस. किसी भी प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए ये GI टैग्स दिए जाते हैं. एंड हिमाचल प्रदेश इज द वेरी फर्स्ट स्टेट जिसने एक पॉलिसी लेके आए हैं रिगार्डिंग GI टैग्स को रजिस्टर करने के लिए और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी. और हिमाचल प्रदेश की स्टेट दे मेक ऑल देयर एफर्ट्स के उसी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनको GI पहले टैग मिले और फिर उनको प्रोटेक्शन भी दी जाए. तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 7 प्रोडक्ट्स हैं जिनको GI टैग्स मिले हैं. सबसे पहला है चंबा रुमाल. रुमाल इज अ पर्शियन वर्ड फॉर हैंकरचीफ, राइट. ये बेसिकली स्क्वेयर शेप में होना चाहिए, वो किसी भी साइज में सकता है एंड दिस बिलोंग्स टू चंबा रीजन. और इसकी अगर USB की बात की जाए तो इस रुमाल पे, चंबा रुमाल पे बहुत ही इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी की जाती है और वो जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो आइडेंटिकल एम्ब्रॉयडरी होती है. मतलब इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी की जाती है कि उस रुमाल के दोनों साइड्स पे आइडेंटिकल आपको एम्ब्रॉयडरी, आइडेंटिकल डिजाइन आपको देखने को मिलते हैं. सो दैट इज चंबा रुमाल. उसके बाद कांगड़ा पेंटिंग्स. कांगड़ा पेंटिंग्स के बारे में हम अपनी आने वाली स्लाइड्स में भी बात करेंगे. इसको GI टैग मिला है एंड दिस बिलोंग्स टू कांगड़ा रीजन. इसकी एक स्पेसिफिक चीज ये याद रखना कि इसके थीम्स की बात की जाए तो उसमें राधा कृष्ण थीम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम व्हेन इट कम्स टू कांगड़ा पेंटिंग्स, ठीक है. और उसके बाद कांगड़ा टी, नोन फॉर इट्स क्वालिटी एंड इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू. कांगड़ा टी, इसको जो एम्स्टरडेम की मार्केट है उसमें गोल्ड एंड सिल्वर इनको टैग्स भी मिले थे, प्राइजेस भी मिले थे. तो कांगड़ा टी हो गया, दिस बिलोंग्स टू कांगड़ा रीजन ओनली. और उसके बाद किन्नौरी शॉल बिलोंग्स टू किन्नौर रीजन, राइट. और इसकी USB की बात की जाए तो किन्नौर रीजन से बिलोंग करते हैं
और किन्नौर में बुद्धिज्म इज अ मेजर कल्चर व्हेन इट कम्स टू ईस्टर्न ईस्टर्न रीजन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, जैसे कि लाहौल स्पीति का रीजन हो गया या फिर किन्नौर वाला रीजन हो गया। तो इसमें जो ये किन्नौरी शॉल्स हैं उसमें भी हमें बुद्धिस्ट एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुद्धिस्ट थ्री ज्वेल्स की बात की जाए, थ्री रत्नास की बात की जाए, वो किन्नौरी शॉल्स में भी हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं थ्री रत्नास, किन्नौरी शॉल्स की जो डिजाइनिंग की जाती है वो भी बुद्धिस्ट कल्चर को ध्यान में रख के ही की जाती है। और उसके बाद कुल्लू शॉल्स, दीज बिलोंग टू कुल्लू रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। और इनकी अगर यूएसबी की बात की जाए, एक स्पेसिफिक क्वालिटी की बात की जाए, तो इनकी जो विड्थ होती है ना, जैसे दिस इज कुल्लू शॉल, ये लेंथ होगी, ये विड्थ होगी, ठीक है। तो इसी विड्थ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको देखने को मिलती हैं, इस तरीके की हॉरिजॉन्टल डिजाइनिंग आपको देखने को मिलती है इन कुल्लू शॉल्स। ये इन कुल्लू शॉल्स की यूएसबी है। और उसके बाद हिमाचली काला जीरा, इसको भी रिसेंटली 2019 में ही इसको जीआई टैग मिला है। काला जीरा इज ब्लैक क्यूमिन, वेरी मच नोन फॉर इट्स हेल्थ बेनिफिट्स। एंड 2019 में दो प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला था हिमाचल प्रदेश की, वन इज हिमाचली काला जीरा एंड अदर वन इज हिमाचली चुल्ली ऑयल। चुल्ली ऑयल ये बनाया जाता है फ्रॉम ड्राइड एप्रिकॉट्स, हिमाचली चुल्ली ऑयल, ठीक है। जो हिमाचली चुल्ली ऑयल है ये एप्रिकॉट से बनाया जाता है एंड दीज एप्रिकॉट्स आर कल्टिवेटेड ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश, बट दीज बेसिकली प्राइमरली रिलेट टू किन्नौर रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो दीज वर 7 जीआई टैग, सबसे पहले चंबा रुमाल, कांगड़ा पेंटिंग्स, कांगड़ा टी, किन्नौरी शॉल, कुल्लू शॉल, हिमाचली काला जीरा एंड हिमाचली चुल्ली ऑयल। जीआई टैग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी हैज आस्क्ड these such type of questions many times, for example in 2015, 2016, 2018 as well, इन्हीं GI tags में से questions पहले आ चुके हैं। So keep in mind कि इन GI tags को आपको अच्छे से करना है, right? उसके बाद कुछ major folk dances की बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के, and the very first is Natti dance. This is the most popular dance of हिमाचल प्रदेश, celebrated specifically two major occasions. One is New Year and the other one is this is performed in celebration of rich harvest, ठीक है। This is a group dance performed by both males and females, and जब ये dance perform किया जाता है तो उस time पे कुछ particular musical instruments are played. जो specific musical instruments है वो हैं ढोल, नगाड़ा, शहनाई and करनाल। These are the specific musical instruments that are played while performing this Natti dance. और इस डांस फॉर्म के वेरियस सब स्टाइल्स भी हैं, जैसे कि कुल्लू नाटी, किन्नौरी नाटी, गद्दी नाटी एंड शिमला नाटी। और जो ये सभी सब स्टाइल्स हैं, दे ऑल हैव देयर स्पेसिफिक डांस स्टाइल, उनका उनके एक स्पेसिफिक कॉस्ट्यूम्स हैं एंड स्पेसिफिक म्यूजिक पे दीज डांसर्स आर परफॉर्म्ड, राइट। उसके बाद किन्नौरी नाटी की जो बात की जाए, तो दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जॉय ऑफ हिमाचल फोक्स एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप्स। किन्नौरी नाटी परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग सीजन, ठीक है। उसके बाद कुल्लू नाटी परफॉर्म्ड स्पेशली ड्यूरिंग दशहरा, हमने बात की थी कुल्लू दशहरा के बारे में, तो दिस कुल्लू नाटी इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दशहरा, राइट। और ये एक बहुत ही जॉयफुल डांस है, और इस डांस में क्या होता है कि जो डांसर्स हैं दे ज्वाइन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द रिदम, राइट। बहुत ही ग्रेसफुल डांस फॉर्म होता है ये। उसके बाद शिव वदर नाटी, दिस इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग शिवरात्रि इन प्रेज ऑफ लॉर्ड शिवा। और जो ये डांस फॉर्म है शिव वदर नाटी, दिस डांस इज परफॉर्म्ड एज फोक डांस ऑफ मंडी रीजन। नेक्स्ट इज डंगी डांस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फोक डांसेज ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड दिस प्राइमरली इन्वॉल्व्स फीमेल डांसर्स। इधर आप राइट साइड में इस विजुअल में देख सकते हैं, ये बेसिकली फीमेल डांसर्स ही इस डांस में परफॉर्म करती हैं। दिस इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट सीजन इन नैना देवी टेम्पल, बिलासपुर के नैना देवी टेम्पल में हार्वेस्ट सीजन के टाइम पे ये डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है ऑन वेरियस थीम्स। और जो ये डांस फॉर्म है इसके बहुत सारे वेरिएशंस हम लोग देख सकते हैं, एंड दिस डांस इज फिल्ड विद एंथुजियाज्म एंड प्लेथोरा ऑफ इमोशंस आर शोन व्हाइल परफॉर्मिंग दिस डांस, ठीक है। उसके बाद दंदरस डांस,
दिस दंडरस वर्ड हैज कम फ्रॉम टू वर्ड्स, दंड प्लस रस. रस मीन्स डांस एंड दंड मीन्स स्टिक, राइट. तो ये एक स्टिक डांस फॉर्म है, ठीक है. दिस इज परफॉर्म्ड बाय मैन ऑफ गद्दी ट्राइब. दिस डांस फॉर्म इज परफॉर्म्ड बाय मैन ऑफ गद्दी ट्राइब बिलोंगिंग टू भरमौर रीजन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट. दिस डांस फॉर्म इज परफॉर्म्ड विद स्मॉल स्टिक्स एंड कैन लास्ट फॉर आवर्स एट ए टाइम, ठीक है. नेक्स्ट इज छम डांस. छम डांस, दिस इज अ स्प्लेंडेड डांस परफॉर्म्ड बाय बुद्धिस्ट मंक्स नोन एज लामास इन द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज. सो बेसिकली ये जो मंक्स हैं, बुद्धिस्ट मंक्स हैं जिनको लामास कहा जाता है, वो परफॉर्म करते हैं हिमाचल प्रदेश के जो ईस्टर्न रीजन्स हैं, जैसे कि लाहौल स्पीति वाला रीजन और किन्नौर वाला रीजन. तो वहाँ पे बुद्धिज़्म एक मेजर रिलीजन है और वहाँ पे बहुत सारी मोनेस्ट्रीज भी लोकेटेड हैं. तो उन्हीं मोनेस्ट्रीज में ऑन हैप्पी ओकेजन्स, वेरियस रिलीजियस सेरेमनीज पे या फेस्टिवल्स के टाइम पे ये डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है. इसके मेजर फीचर्स की बात की जाए तो इलेबोरेट मास्क, हेडगेयर एंड कॉस्ट्यूम. इधर आप राइट साइड में विजुअल में देख सकते हैं, इलेबोरेट मास्क, हेडगेयर एंड कॉस्ट्यूम. बहुत ही वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम्स होते हैं इन परफॉर्मर्स के. वी जस्ट टॉक्ड अबाउट इट के वेरी पॉपुलर इन तिब्बतन सेटलमेंट्स जैसे कि लाहौल स्पीति वाला रीजन एंड किन्नौर, ठीक है. नेक्स्ट इज डेविल डांस, परफॉर्म्ड बाय लामास हु आर बुद्धिस्ट मंक्स इन केव्स ऑन स्पेशल ओकेजन्स, एस्पेशली इन लाहौल स्पीति वाला रीजन एंड किन्नौर वाला रीजन. एंड दिस डांस इज परफॉर्म्ड ऑन फेस्टिवल्स लाइक लोशार, जिसको न्यू ईयर कहते हैं. न्यू ईयर को हिमाचली लैंग्वेज में वहाँ पे लोशार कहा जाता है. ऑन वेरियस अदर फेस्टिवल्स एज वेल सच एज ढचांग, थोंग थोंग, नामगन. और वहाँ पे जो ये डांसर्स हैं, ये एक बहुत ही वाइब्रेंट सा मास्क पहनते हैं वाइल परफॉर्मिंग दिस डांस. उस मास्क को कहते हैं वग. इसका नाम चाहे डेविल डांस है, लेकिन ये डांस परफॉर्म किया जाता है टू शो विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, ठीक है. दिस आर परफॉर्म बाय लामास वाइल प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड दिस डांस रिप्रेजेंट्स विक्ट्री ऑफ गुड ओवर डेमन्स, ठीक है. नेक्स्ट इज छनक छम डांस. दिस इज वेरी मच सिमिलर टू छम डांस परफॉर्म बाय लामास ऑफ लाहौल स्पीति रीजन. दिस इज अ डिवोशनल स्टाइल ऑफ डांस फॉर्म performed on festival known as chakar once in every 3 years and the chanak is a typical headgear worn by the dancers. Idhar aap right side mein visual mein dekh sakte hain, although performers are wearing some form of headgear, right, aur usko chanak kehte hain. This is a very graceful dance form in comparison to other dances. Bahut hi graceful dance form hai, bahut hi simple yet graceful dance form hai जो एक छनक छम डांस फॉर्म है, राइट. और इसमें बहुत ही स्लो मूवमेंट्स, सर्कुलर एक सर्कल बना के जो भी डांसर्स हैं, लाइक वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के सर्कल में दे डांस. एंड वी जस्ट टॉक्ड अबाउट इट के बहुत ही ग्रेसफुल डांस है. उसके बाद लोशार सोना चुकसम. लोशार के बारे में हमने प्रीवियस स्लाइड में भी बात की थी, न्यू ईयर से रिलेटेड है. परफॉर्म्ड इन किन्नौर रीजन, known for its love of music and dance and named after the festival Loshar or New Year. Based on musical instruments, बहुत सारे जब ये dance form perform किया जाता है, बहुत सारे musical instruments play किए जाते हैं, such as ढोल, bronze cymbals known as Bugjal and Karnal and Ransingha. These are the specific musical instruments that are played while performing this dance form. Next is Laholi dance. इधर आप राइट साइड में विजुअल, लेफ्ट साइड में विजुअल में देख सकते हैं, दिस इज लाहौली डांस. बहुत ही ग्रेसफुल डांस होता है. इसमें जो डांसर्स हैं, दे इंटरलॉक देयर हैंड्स एंड परफॉर्म इन अ सर्कल. दिस इज लाहौली डांस. बहुत ही स्लो फॉर्म ऑफ डांस फॉर्म है, बहुत ही स्लो मूवमेंट्स होते हैं बट बहुत ही ग्रेसफुल होते हैं, राइट. एंड द लास्ट वन इज थोडा डांस. ये एक मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है ऑफ हिमाचल एरिया, थोडा डांस. इसमें जो भी डांसर्स होते हैं वो पहले खुद को दो टीम्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो वो इनेक्ट करते हैं एक तरीके से किसी वॉर को. जैसे कि हेयर इन दिस विजुअल यू कैन सी के जो डांसर्स हैं वो दो दो के ग्रुप में पहले डिवाइड हो जाते हैं, देन दे इनेक्ट एज इन दे आर फाइटिंग अ वॉर, ठीक है. एंड दिस इज थोडा डांस. उसके बाद हम बात करेंगे पेंटिंग्स के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हिमाचल प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर का.
So Himachal Pradesh is very famous for many forms of paintings which come under the umbrella of Pahari style of paintings. Pahari style of paintings ka subset hai Himachal Pradesh ki paintings. Now this Pahari style of paintings, these are miniature paintings that flourished in 17th to 19th century under the patronage of various Rajput rulers. मिनिएचर पेंटिंग्स आर दोज पेंटिंग्स जो कि किसी क्लोथ पे या किसी पेपर पे, दैट मीन्स किसी भी पेरिशेबल मटेरियल पे जो पेंटिंग्स बनाई जाती हैं उनको मिनिएचर पेंटिंग्स कहा जाता है. दिस फ्लोरिश्ड इन 17th टू 19th सेंचुरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टूवर्ड्स एंड ऑफ मुगल एज, राइट. और इनको इनको बहुत ज़्यादा पैटर्नाइज किया था बाई वेरियस राजपूत रूलर्स ऑफ हिली एरियाज, ठीक है. और इस पेंटिंग्स के बहुत सारे जो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग है इसके बहुत सारे सब स्टाइल्स हैं, जैसे कि बशोली, गुलेर, कांगड़ा एंड गरवाल. बहुत सारे सब स्टाइल्स हैं लेकिन चार मेजर सब स्टाइल्स फेमस हैं, बशोली, गुलेर, कांगड़ा एंड गरवाल. और इनमें से जो बशोली है, गुलेर एंड कांगड़ा, दिस बिलोंग टू हिमाचल प्रदेश एंड दिस गढ़वाल बिलोंग टू उत्तराखंड. तो आज हम इन्हीं जो ये तीन सब स्टाइल्स हैं, बशोली, गुलेर और कांगड़ा, इनके बारे में विल टॉक अबाउट. सो बशोली स्टाइल डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग कृपाल पाल, ठीक है. एंड दिस पर्टिकुलर जो ये बशोली स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स है, दिस डिपिक्ट अ कंजंक्शन ऑफ मुगल टेक्निक विद फोक आर्ट. जो ये बशोली स्टाइल है, दिस डिपिक्ट्स अ कंजंक्शन ऑफ मुगल स्टाइल विद फोक आर्ट. अब क्या हो रहा था कि दीज स्टाइल्स, दीज बेसिकली फ्लोरिश्ड इन 17th टू 19th सेंचुरी, और उस टाइम पे जो राजपूत किंग्स थे वो ही इन्हीं पेंटिंग्स को पैटर्नाइज कर रहे थे. एंड दीज राजपूत पेंटिंग्स दे हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी क्लोज कनेक्शन विद जो मुगल एज थी, जो मुगल पार्ट थी उसके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था. तो उनको कहीं ना कहीं देवर वेरी मच इंस्पायर्ड बाय दिस मुगल आर्ट. तो जो ये पेंटिंग, जो ये राजपूत रूलर्स थे, जब अपने एरिया में उन्होंने इन जो पेंटर्स थे उनको पैटर्नाइज किया, तो उन्होंने समवेयर उनको कहा कि आप जो ये मुगल टेक्निक है उसको भी इनकॉर्पोरेट करो फोक आर्ट में. तो जो ये बशोली स्टाइल है, दिस डिस्प्लेड फोक आर्ट ट्रेडिशन इन कंजंक्शन विद मुगल टेक्निक. और उसमें अगर कलर्स की बात की जाए तो बहुत ही ब्राइट कलर्स यूज किए जाते हैं, येलो, ब्राउन एंड ग्रीन, ये मेजर कलर्स हैं इन पेंटिंग्स में. इधर आप विजुअल में भी देख सकते हैं, येलो, ब्राउन एंड ग्रीन कलर्स, ठीक है. और उसके इन जो पेंटिंग्स हैं उनके मेजर सीन्स की बात की जाए तो नेचर को बहुत ज़्यादा डिपिक्ट किया जाता है. लश ग्रीन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा इन पेंटिंग्स में आपको देखने को मिलेंगे. ऑल्सो वॉर्स, हंटिंग स्टाइल्स, हंटिंग के सीन्स एंड ऑल्सो पोर्ट्रेट्स, ये मेजर थीम्स रहते हैं इन पेंटिंग्स में. एंड ऑल्सो राधा कृष्ण के सीन्स या रासलीला, कृष्णा से, लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड बहुत सारे थीम्स इन पेंटिंग्स में आपको देखने को मिलेंगे. एंड इस पेंटिंग की एक जो स्पेसिफिक फीचर की बात की जाए तो अग्रेसिवनेस ऑफ फेस कैन बी सीन. दैट मीन्स के इन पेंटिंग्स के जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनके फेशियल एक्सप्रेशंस की बात की जाए तो मतलब बहुत ही हाईली इमोशनल होते हैं, और अग्रेसिवनेस ऑफ फेस कैन बी सीन इन द फेशियल फीचर्स ऑफ दीज कैरेक्टर्स शोन इन दिस पेंटिंग्स, ठीक है. फेमस आर्टिस्ट की बात की जाए तो देवीदास एंड मंकू बशोली स्टाइल से ये बिलोंग करते हैं. फेमस आर्टिस्ट देवीदास एंड मंकू. देवीदास पेंटेड रासमंजरी एंड मंकू पेंटेड गीता गोविंद. नेक्स्ट इज गुलेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग. इसका मेजर कंट्रीब्यूटर है पंडित सेन. उसके बाद दिस पेंटिंग, जो ये पेंटिंग्स हैं, दिस डिपिक्ट वीमेन हु बियर देयर लवर्स एब्सेंस विद मच मोर कंपोजर. इन पेंटिंग्स में क्या होता है, हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की थी कि जो बशोली स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स है उनमें अग्रेसिवनेस ऑफ फेशियल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, जबकि जो ये पेंटिंग्स हैं इनके जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, जो स्पेशली वीमेन होते हैं, बहुत ही पॉइज्ड, बहुत ही कंपोज्ड उनके फेशियल फीचर्स होते हैं. एंड यहाँ पे आप इस विजुअल में देख सकते हैं, और इनमें जो कलर्स हैं बहुत ही मतलब डल कलर्स यूज़ किए जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट कलर्स इन पेंटिंग्स में यूज़ किए जाते हैं. हमने बशोली स्टाइल की बात की थी प्रीवियस स्लाइड में, उसमें बहुत ही ब्राइट कलर्स यूज किए गए थे, जबकि गुलेर स्टाइल में बहुत ही सॉफ्ट से सटल कलर्स इन पेंटिंग्स में देखने को मिलेंगे. राइट साइड में आप इस विजुअल में देख भी सकते हैं. एंड इसके जो मेजर पेंटर्स की बात की जाए इस स्टाइल के, तो वो हैं मंकू, नैनसुख, रामलाल एंड गुरसहाय. मंकू, नैनसुख, रामलाल एंड गुरसहाय वो जो गुलेर स्टाइल है उसके मेजर पेंटर्स हैं, मेजर आर्टिस्ट हैं.
एंड इस पेंटिंग पे एक और इसका एक मेजर फीचर है दैट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ राजपूत द पेंटिंग्स हैव अ डिस्टिंक्टिव राजस्थानी आर्ट स्टाइल. इन पेंटिंग्स में राजस्थानी आर्ट स्टाइल भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा. राइट, नेक्स्ट इज कांगड़ा स्टाइल. ये गुलेर स्टाइल का ही एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है कांगड़ा स्टाइल. और एंड वी कैन से दैट दिस रिप्रेजेंट्स द थर्ड फेज ऑफ पहाड़ी स्टाइल. पहले हमने बात की थी बशौली की, गुलेर की, एंड दिस इज द थर्ड फेज ऑफ पेंटिंग्स, पहाड़ी पेंटिंग्स. दिस फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द लाइन ऑफ राजा संचारचंद. नेचुरल थीम्स इन पेंटिंग्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं. इस विजुअल में आप देख भी सकते हैं राधा कृष्ण का एक सीन दिखाया हुआ है, कृष्ण अलोंग विद गोपियाँ. ठीक है, वो सीन दिखाया हुआ है और इसी सीन में आप ये ग्रीन फॉरेस्ट, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा इन पेंटिंग्स में देखने को मिलती है. इसके चीफ फीचर्स की बात की जाए तो डेलिकेसी ऑफ लाइन, जो माइन्यूटनेस ऑफ देयर फेशियल फीचर्स एंड डेकोरेशन में भी बहुत ज़्यादा माइन्यूटनेस हमें देखने को मिलती है, जैसे कि अजंता आर्ट में देखने को मिलती थी. अब इसमें क्या है कि हमने जो प्रीवियस स्लाइड है उसमें बात की थी फेशियल एक्सप्रेशंस की, तो फेशियल एक्सप्रेशंस अगर आपको शो करने हैं, फेशियल फीचर्स आपको शो करने हैं, तो आपको कर्वेचर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. फॉर एग्जांपल कि अगर आपको या तो आप फेस ऐसे भी बना सकते हो और या फिर मतलब थोड़ा सा किसी भी तरीके से जो फेशियल फीचर्स आप उनको शो कर सकते हो. लेकिन इन जो पेंटिंग्स हैं कांगड़ा, ये बहुत ही इम्प्रोवाइज्ड पेंटिंग्स थी प्रीवियस पेंटिंग्स के कंपैरिजन में, और इनमें जो फेशियल फीचर्स थे उनके कर्वेचर पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था. राइट, उसके बाद है दो स्कूल्स और हैं, चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग. जो ये चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग है ये पहले तो इन्फ्लुएंस्ड था बशौली स्कूल से, बट लेटर दिस इन्फ्लुएंस्ड बाय कांगड़ा स्कूल. ठीक है, इसका जो सेंट्रल थीम इन पेंटिंग्स का होता था वो था लॉर्ड विष्णु के इनकारनेशंस रामा एंड कृष्ण. फॉर द फर्स्ट टाइम जो ये पेंटिंग्स थी दिस गोट रॉयल पैट्रोनेज ऑफ राधा उदय सिंह. और इन पेंटिंग्स के अगर मेजर किसी आर्टिस्ट की बात की जाए तो निक्का वॉज द मास्टर आर्टिस्ट ऑफ चंबा पेंटिंग्स. चंबा पेंटिंग्स पहले इन्फ्लुएंस थी बशौली स्कूल से, लेटर दिस गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय कांगड़ा स्कूल. सेंट्रल थीम लॉर्ड विष्णु के इनकारनेशन होते थे एंड इनको पैटर्नाइज किया था राजा उदय सिंह ने, एंड निक्का वॉज अ मेजर आर्टिस्ट बिलोंग टू दिस चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स. एंड लास्ट अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग्स. अर्की वॉज द कैपिटल ऑफ भगल स्टेट ऑफ शिमला हिल्स, जो आज का सोलन है वहाँ पे शिमला हिल्स की बगल स्टेट थी एंड अर्की उसकी कैपिटल थी. अर्की स्कूल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय बशौली स्कूल. पहले जो ये स्कूल था ये पहले बशौली स्कूल से इन्फ्लुएंस था, बट लेटर दिस गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय कांगड़ा स्टाइल. ठीक है, इसके मेजर थीम्स की बात की जाए तो शिव पार्वती, कृष्णा एंड नायक नायिका थीम्स ऑफ केशवादास, ये इनके मेजर थीम्स होते थे इन पेंटिंग्स के. जो पहले अर्की स्कूल था वो पहले इन्फ्लुएंस्ड था बाय बशौली स्कूल, तो बशौली स्कूल को अर्की में फ्लोरिश किया अंडर द पैटर्नेज ऑफ राजा मेहर चंद एंड राणा भूपचंद. ठीक है, उसके बाद कांगड़ा स्कूल फ्लोरिश हुआ अंडर द पैटर्नेज ऑफ राजा जगत सिंह एंड सरन सिंह. राजा किशन सिंह ऑफ बगल हेल्प्ड कांगड़ा स्कूल फ्लोरिश इन दिस स्टेट. राजा किशन सिंह ऑफ बगल ही हेल्प्ड जो कांगड़ा स्कूल था उसको इस रीजन में फ्लोरिश करवाने के लिए. तो आज हमने हिमाचल प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर भी सारा कवर कर लिया है. सो दैट इज़ इट फॉर द डे. थैंक यू.